नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद सभा को संबोधित करेंगी। यात्रा के पूर्व प्रदेश भर में सहायक यात्राएं निकाली जाएगी जो दीपावली के बाद प्रारंभ होगी। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में यात्रा पूरी होने के बाद संभाग स्तर पर सभाएं और जिलेवार कार्यक्रम सम्मेलन होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में 20 नवंबर के बाद बुरहानपुर जिले के चापुर से प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से भाजपा घबरा गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में है। 20 तारीख को बुरहानपुर से एंटर होगी, रेकी हो चुकी है। कल 21 तारीख को बैठक भी है, सबको उसकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी और ये लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। प्रत्येक दिन शाम के टाइम कुक्कड़ सभा होगी जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे उठाए जाएंगे और उज्जैन में आम सभा होगी और निश्चित तौर पर जहां पीएम की सभा होगी वहां ये बताया जाएगा कि कॉरिडोर महाकाल कॉरिडोर ये कमलनाथ जी की नेतृत्व की सरकार ने कमलनाथ जी ने किया था। सर उज्जैन से माना जाए कि एक चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तैयारी तो कमलनाथ जी शुरू कर दी है, आज छतरपुर में है, कल दूसरी जगह थे, और इसलिए बीजेपी घबराई हुई है कमलनाथ जी की यात्राओं से। वो बार बार पीएम को और अमित शाह जी और बाकी नेताओं को बुला रहा हूँ। कह रहे हैं कि ईद में तो बच गए, मुहर्रम में क्या होगा? ईद में तो बच गए, मुहर्रम में क्या होगा? ये ईद में ही बचेंगे, मुहर्रम में भी बचेंगे और रामनवमी आएगी तब भी आशीर्वाद मिलेगा, शिवरात्रि आएगी तब भी आशीर्वाद मिलेगा। 2023 में आप लोग नहीं बचोगे, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 114 से नहीं 174 से, और 2024 में राहुल गांधी की नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में। माननीय पीसी शर्मा जी का काम जो है वह बिल्कुल अंत्योदय से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि पूरे समाज के अंदर एक बहुत ऊपर है। यदि इसी तरह के नेता यदि पूरे मध्य प्रदेश में पीसी शर्मा जैसे कांग्रेस में पैदा हो जाएं, तो ये मान के चलो कि कांग्रेस की सरकार बनाने में कोई देरी नहीं लगेगी। पीसी शर्मा एक बहुत अच्छे नेता हैं, जन जन के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के शुभचिंतक भी हैं, झुग्गी झोपड़ी से जुड़े हुए नेता हैं। और उनका काम जो भी है मतलब एक बेमिसाल काम है। मैं उन्हें 25-30 साल से जानता हूँ। 25-30 साल में उन्होंने जो भी काम उनके सामने आए हैं वो सब जो है जनता के सरोकार से जुड़े हुए काम हैं और जनता उनके प्रति बहुत समर्पित है और यही वजह है कि जन जन के लोकप्रिय रहता है। इसका जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, पीसी शर्मा जी का जन्मदिन है। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ और वो गरीबों के एक मसीहा हैं और मैं उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.